Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we will discuss about IELTS writing task 2 and this essay is from your real IELTS exam जो कि 3rd Feb 2024 को exam हुआ था. सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप अपने राइटिंग टास्क 2 को कैसे बेस्ट वे में एक्सप्लेन करना कर सकते हो. सो अगर आप अपना बैंड स्कोर बूस्ट करना चाहते हो सो उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है. इस ऐसे में मैं जो भी थिंग्स आपको एक्सप्लेन करूँगी आपने उन सभी थिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एंड जब भी आप अपने ऐसे को राइट करते हो वो सारी चीज़ों को आपने अप्लाई करना अपने टास्क टू को राइट करते टाइम. सो राइटिंग में 7+ बैंड स्कोर लेना कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है प्रोवाइडेड कि आप किस वे में ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हो. सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिनको आपने फॉलो करना होता है जिनसे आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है. सो द स्टेटमेंट इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ रिप्लेसिंग फेस टू फेस इंट्रैक्शन among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? कि वो बोलते हैं कि जो सोशल मीडिया का यूज़ है ये फेस टू फेस इंट्रैक्शन को रिप्लेस कर रहा है among many people in society. हमें भी पता है कि सोशल मीडिया का ये फेस चल रहा है, सारे लोग सोशल मीडिया पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं. सो फेस टू फेस मीन्स ऑफलाइन कम्युनिकेशन बहुत कम होती जा रही है. सो क्या आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है इसके एडवांटेजेस आउटवे करती हैं डिसएडवांटेजेस को? सो अगर तो आपके अकॉर्डिंग इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, मींस आउटवे मींस ज़्यादा हैं एडवांटेजेस, तो आप उस साइड पे जा सकते हो. अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है देन आप उस साइड पे जा सकते हो प्रोवाइडेड कि आपके पास पॉइंट किस साइड के हैं. आप किसी भी साइड पे जा सकते हो, बस जो स्टेटमेंट है आपने उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है एंड अपने ऐसे को एक्सप्लेन करना है. वन मोर थिंग, इसमें एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, जो एडवांटेजेस हैं उनको भी, जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी. स्किप नहीं करना, ये ना हो कि आप ओनली एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दो, दोनों को दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज आर गिवन स्टेटमेंट. जो हमें गिवन स्टेटमेंट है पहले तो हम उसको पैराफ्रेज करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन में. सो पैराफ्रेजिंग के टाइम पे जहाँ तो आप कुछ वर्ड्स को स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हो जहाँ फिर आप कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, बट जो पैराफ्रेजिंग के बाद स्टेटमेंट का मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि ये सोशल मीडिया पे है स्टेटमेंट, तो आप ट्राई किया करो कुछ जर्नल लाइन ऐड करने के लिए, है ना, स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि इनको एक्स्ट्रा नॉलेज है. ये ना बोले कि इन्होंने स्टेटमेंट कोई डिटो कॉपी किया हुआ है इंट्रोडक्शन में. सो नाउ वी विल स्टार्ट आर इंट्रोडक्शन. Nowadays social media is the most prevalent form of communication. कि इस टाइम पे social media काफ़ी important form है communication की, ये तो हमें पता ही है. The majority of people use social media to communicate with others. कि majority of people social media को use करते हैं to communicate with others. But the uses of social networking sites has reduced face to face communication among various people in the modern societies. But जो social networking sites का use है इसने face to face communication को reduce कर दिया है among various people in the modern societies. I believe that its merits are outweighed by demerits. See, यहाँ तक तो हमने statement को paraphrase किया कि जो majority of people की, ये तो explain कर दिया मैंने आपको इनका meaning. सो ये स्टेटमेंट गिवन थी उसको हमने पैराफ्रेज कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू थिंक कि जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को सोशल मीडिया के. सो आई बिलीव दैट, उसके लिए आपने अपना व्यू देना ना, डू यू, वो आपसे पूछ रहे हैं, उसके लिए हमने राइट किया आई बिलीव दैट कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग इट्स मेरिट्स आर आउटवेड बाय डीमेरिट्स. कि जो सोशल मीडिया की मेरिट्स है वो आउटवे आर आउटवेड बाई डी मेरिट्स, मीन्स इसकी मेरिट्स ज़्यादा हैं डी मेरिट्स से. वन मोर थिंग,
स्टेटमेंट में उन्होंने ये सेंटेंस एक्टिव में दिया था, डू यू थिंक, ये वाला एक्टिव में दिया था। सो अगर आप अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो स्टेटमेंट में आपके पास एक चांस होता है अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसको हमने पैसिव में राइट कर दिया। अगर आप अपने सेंटेंस को पैसिव में राइट करते हो सो आपका सेंटेंस है जो कम्प्लेक्स होता है, वैरायटी आती है, तो आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा। सो जो जब भी आपको ये वाला ऐसे आता है ना, डू यू थिंक इट्स एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, सो आप इसको पैसिव में किया करो, ठीक है। सो मीनिंग इसका भी सेम है कि जो एडवांटेजेस वो आउटवे हो रही हैं डिसएडवांटेजेस से। सो एडवांटेजेस को हम मेरिट्स बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस को डीमेरिट्स बोल सकते हैं। सो ये है स्लाइड, इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने पैसिव कैसे राइट करना होता है। सो एक्टिव होता है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। सो पैसिव में हम कैसे राइट करते हैं, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट होता है ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है, देन हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, देन हम बाय का यूज़ करते हैं, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सो ये था द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। सब्जेक्ट है एडवांटेजेस, ऑब्जेक्ट है डिसएडवांटेजेस, वर्ब थी आउटवे। सो इसको कैसे करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, द डिसएडवांटेजेस, प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे, आर, आउटवे की थर्ड फॉर्म आउटवेट, बाय का यूज़ करेंगे, बाय द एडवांटेजेस, सब्जेक्ट पीछे चला गया। सो ये हमने फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन में इसको पैसिव में राइट कर दिया। सो मीनिंग इसका ये है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है। सो पहले BP1 स्टार्ट करते हैं, हम बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें हम आप फर्स्ट में भी डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर सकते हो या एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है कि कौन से बॉडी पैराग्राफ में क्या करना है। सो ऑन द वन हैंड, एक साइड पे, सोशल नेटवर्क्स हैव ब्रॉट वेरियस मेरिट्स फॉर अस, कि जो सोशल नेटवर्क्स है, कई बार हम सोशल मीडिया यूज़ कर लेंगे, कई बार हम सोशल नेटवर्क्स यूज़ कर लेंगे, कई बार हम यूज़ कर लेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स चेंज कर करके। सो जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होता है उससे एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो BP1 में हम मेरिट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट लाइन में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं उन्होंने काफ़ी मेरिट्स लेके आए हैं फॉर अस। सो क्लियर है ना कि इसमें मेरिट्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्टली, फर्स्ट मेरिट एक्सप्लेन करने के लिए लिंकर यूज़ किया फर्स्टली। फर्स्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट फैसिलिटेट ईजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, कि जो सोशल मीडिया है उसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये फैसिलिटेट करते हैं ईजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब। दीज ऐप्स अलाउ पीपल टू स्टे कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, क्लीग्स एंड इवन सेलिब्रिटीज़, कि ये वाली ऐप्स है ये अलाउ करती है पीपल को सो दैट वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कुलीग्स एंड सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्टेड रह सके। इन दिस बिजी वर्ल्ड, इस बिजी वर्ल्ड में पीपल डू नॉट गेट टाइम फॉर मीटिंग देयर लव्ड वंस, सो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हेल्प्स देम टू स्टे कनेक्टेड, कि इस बिजी वर्ल्ड में जो पीपल हैं उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता उनको कि वो अपने लव्ड वन से जाके मिलें, पर्सनली बातें करें, कम्युनिकेट करें। सो इसलिए जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उनकी हेल्प करती है अपने लव्ड वन से कनेक्टेड रहने के लिए। सो फर्स्ट मेरिट थी कि ईजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन। क्या किया मेरिट एक्सप्लेन, कि सोशल मीडिया की फर्स्ट मेरिट है इजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है हमें। आप कोई भी कर सकते हो मेरिट, जरूरी नहीं यही करनी है, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और अच्छा सा पॉइंट है आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली, नाउ हम सेकेंड मेरिट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हमने लिंकर यूज़ किया सेकेंडली। देखो एग्जामिनर को क्लैरिटी मिल जाएगी ना, अभी ये सेकेंड मेरिट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है हमने। सेकेंडली, एंटरटेनमेंट इज़ एन अनदर एडवांटेज,
कि जो एंटरटेनमेंट है ये अनदर एडवांटेज है। इससे भी एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलेगी कि ये अनदर एडवांटेज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फ्रॉम असेसिंग द लेटेस्ट म्यूजिक वीडियोज ऑन यूट्यूब, वॉचिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फैसिलिटेट्स एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि लेटेस्ट वीडियो को असेस करना यूट्यूब पे या फिर रील्स देखना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, तो ये क्या फैसिलिटेट करता है एंटरटेनमेंट। चैनल्स लाइक टिकटॉक हैव गेंड पॉपुलैरिटी सोल्डली फॉर एंटरटेनमेंट वाया शॉर्ट वीडियोज़ एंड क्लिप्स। सो ये था कि जो एंटरटेनमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है सोशल मीडिया, ये वाली मेरिट एक्सप्लेन करी। हमें भी पता है ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, तो काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलता है हमें इससे। वन मोर थिंग, हम ना एग्जांपल दे रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। सो आप भी ट्राई किया करो अपने राइटिंग टास्क 2 को एक्सप्लेन करते टाइम एग्जांपल्स ऐड करो। अगर आप एग्जांपल्स ऐड करते हो इससे आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होता ही होता है, ठीक है। सो ये देखो कितने ईजी एग्जाम्पल है, यूट्यूब एक एग्जाम्पल होगी, यूट्यूब की एग्जाम्पल दे दी, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की। इससे एक तो क्लैरिटी आ रही है, पॉइंट को अच्छे वे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ऐड होगी। सो रियल लाइफ से ट्राई किया करो एग्जाम्पल्स को देने का। सो नेक्स्ट, फर्दर मोर सोशल मीडिया इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, कि जो सोशल मीडिया ये एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सोशल नेटवर्क्स लाइक लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अलाउ प्रोफेशनल्स टू प्रमोट देयर स्किल्स, सर्विसेज, अकम्पलिशमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू अ वाइडर ऑडियंस एंड बिल्ड देयर ब्रांड्स। सो हमें भी पता जो सोशल मीडिया इस टाइम पे बहुत वंडरफुल इसका यूज़ कर सकते हैं हम, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोई भी अगर अपना बिजनेस वगैरह या ब्रांड वगैरह सेटअप करना चाहता है। सो देखो सोशल मीडिया पे कितने लोग है ना इसके साथ कनेक्टेड हैं, फॉलोअर्स वगैरह कई लोगों के कितने कितने ज़्यादा हैं, है ना, जो फेमस पर्सन है उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी होती है। सो वहाँ पे जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी ऐड वगैरह करवा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई भी उनका ब्रांड है उसके लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सो इससे उनको उनका काफ़ी बिजनेस वगैरह अच्छे वे में चल सकता है, वो अपना ब्रांड वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस। सो ये तीन हमने एक्सप्लेन कर दिए मेरिट्स कौन कौन से। फर्स्ट था कि ईजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सेकेंड था एंटरटेनमेंट, थर्ड था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। सो ये मेरिट्स एक्सप्लेन कर दिए, नाउ हम डी मेरिट्स एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द अदर साइड, सो लिंकर से क्लैरिटी है कि हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, मीन्स डी मेरिट्स पे जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ अफोर मैंशन प्रोज, देर आर सम कॉन्स ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कि जो भी अफोर मैंशन मीन्स जो ऊपर हमने प्रोज एक्सप्लेन करें उनके होने के बावजूद कुछ कॉन्स भी हैं, मीन्स कुछ डी मेरिट्स भी हैं। प्रोज मीन्स मेरिट्स, कॉन्स मीन्स डी मेरिट्स भी हैं सोशल मीडिया के, मीन्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स के। सो एक्सप्लेन करते हैं। स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज़ रिड्यूस्ड इन पर्सन इंट्रैक्शंस, ऑफलाइन कम्युनिकेशन एंड सोशियबिलिटी, विच हैज़ लेड टू आइसोलेशन, विच रिजल्ट्स इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, कि ज़्यादा एक्सेसिव टाइम स्पेंड करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसने क्या रिड्यूस कर दिया, जो इन पर्सन इंट्रैक्शंस है उनको रिड्यूस कर दिया, ऑफलाइन कम्युनिकेशन को रिड्यूस कर दिया, सोशियबिलिटी नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ सोशलाइज ही नहीं करते, है ना, आउटसाइड जाके मिलते ही नहीं, सोशलाइज ही नहीं करते, इसमें रिडक्शन आ गई। सो इसके कारण क्या होता है, आइसोलेशन होती है कि बंदा अकेला ही बैठा रहता है अपने रूम में, है ना, जहाँ आउटसाइड जाता तो वो फ़ोन में बिजी रहता है। सो इससे क्या आइसोलेशन आती है, सो उसके कारण क्या होता है कि लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। सो एक तो इसकी डीमेरिट है सोशल मीडिया की आइसोलेशन, कि फेस टू फेस इंट्रैक्शंस नहीं है, ऑफलाइन कम्युनिकेशन नहीं है, सो आइसोलेशन इसका रिजल्ट है। सो उसका रिजल्ट आपको पता ही है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर लेजर टाइम ऑन दीज ऐप्स, सो दे डू नॉट स्पेंड
time with their family members and friends, which is not good for their relations as well as health. कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो अपना लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम इन ऐप्स पे ही स्पेंड करते हैं, जो भी एक्सप्लेन करी इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक है ना, इन ऐप्स पे स्पेंड करते हैं. सो दे डू नॉट स्पेंड टाइम, वो अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. सो ये उनके ना तो रिलेशंस के लिए अच्छा है ना ही उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है. बिसाइड्स, सो नेक्स्ट डीमेरिट एक्सप्लेन करने के लिए लिंकर यूज़ किया, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन. नेक्स्ट क्या है डीमेरिट? सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन एडिक्शन फॉर वेरियस पीपल, कि सोशल मीडिया एडिक्शन बन चुका है काफ़ी लोगों के लिए. एक्सेसिव चेकिंग ऑफ नोटिफिकेशंस एंड माइंडलेस स्क्रॉलिंग क्रिएट्स एडिक्टिव बिहेवियर एंड अफेक्ट्स रियल लाइफ रिलेशनशिप्स एंड वेलबींग. ऑल्सो दिस हैज़ लेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी और वी कैन से क्रिएटिविटी ऑफ मैनी पीपल. सेकेंड डीमेरिट है कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन चुका है. एक्सेसिव चेकिंग करना नोटिफिकेशंस की, स्क्रॉल करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को है ना एक्सेसिवली, तो इससे क्या एडिक्टिव बिहेवियर क्रिएट होता है. सो इससे जो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स है वो भी अफेक्ट होते हैं, जो लोगों की वेलबींग है उस पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है. सो ऑल्सो दिस हैज़ लेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया इसका, जो कि लोगों की है. हमें भी पता लोग फ़ोन में ही बिजी रहते हैं है ना, कोई उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है. सो ये उन लोगों के लिए जो इसके अडिक्टिव हैं. सो दूसरों की बात नहीं कर रही मैं. सो ये थे हमारे डीमेरिट्स. सो डीमेरिट्स कौन कौन से हमने एक्सप्लेन करे, आइसोलेशन, सेकेंड था अडिक्शन. सो ये दो डीमेरिट्स थे. मेरिट कौन से थे? फर्स्ट था इजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सेकंड मेरिट था एंटरटेनमेंट, थर्ड था कि जो सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए. सो डीमेरिट्स हमने एक्सप्लेन करे आइसोलेशन, एंड नेक्स्ट डीमेरिट हमने एक्सप्लेन किया एडिक्शन. सो इन कंक्लूजन, ऑल्दो सोशल मीडिया हैज़ सम डीमेरिट्स, आइसोलेशन एंड एडिक्शन, आई बिलीव दैट इट्स मेरिट्स दिस एंड दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. सी यहाँ पे कंक्लूजन में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका 0.5 बैंड डायरेक्टली इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा, ठीक है. सो देखो, पहली बात तो हमने स्टेटमेंट में दिया था इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में राइट किया था कि इसके मेरिट्स ज़्यादा हैं. सो अगर हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया कि मेरिट्स ज़्यादा है, देन हमें मेरिट्स ज़्यादा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. उसके लिए हमने मेरिट्स एक्सप्लेन करे 3, तो डीमेरिट्स कम थे तो उसके लिए हमने डीमेरिट्स एक्सप्लेन कर दिए 2. सो 2 डीमेरिट्स एक्सप्लेन करे, जो मेरिट्स थे वो हमने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उसके लिए. सो जो आप बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हो, अगर आप उनको कंक्लूड करके अपने कंक्लूजन में लिख देते हो है ना, तो आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है. कि हमने एक्सप्लेन किया ऑल्दो कि सोशल मीडिया के चाहे कुछ डीमेरिट्स हैं, कौन से डीमेरिट्स थे? एक आइसोलेशन था, दूसरा था एडिक्शन. सी इधर हमने एक्सप्लेन करा ना आइसोलेशन, दूसरा हमने करा था एडिक्शन, कि कुछ डीमेरिट्स हैं आइसोलेशन एंड एडिक्शन. येट ऑल्दो के साथ हम यूज़ करते हैं येट का, येट की प्लेस पे हम कॉमा यूज़ करते हैं. आई बिलीव दैट, आपने कंक्लूजन में भी अपना व्यू देना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या है. जैसे इंट्रोडक्शन में था, सेम कंक्लूजन में भी आई बिलीव दैट इट्स मेरिट्स. मेरिट्स कौन से एक्सप्लेन करे थे? ईजी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, थर्ड था कि ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है ब्रांडिंग के लिए. ये वाले मेरिट्स हैं, आउटवे द डीमेरिट्स बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, कुछ भी. कि मेरे अकॉर्डिंग जो इसके मेरिट्स हैं वो आउटवे करते हैं इट्स डीमेरिट्स. कि इसके मेरिट्स डीमेरिट्स को आउटवे करते हैं, मीन्स इसके मेरिट्स ज़्यादा हैं डीमेरिट्स से. सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया. सो नेक्स्ट एक ऑनलाइन कंक्लूजन में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो. सो यूजर्स मस्ट यूज़ इट वाइजली. कि जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो इसका वाइज यूज़ करें. सो ये था हमारा राइटिंग टास्क 2 ऐसे. सो नेक्स्ट देखो, मेरिट्स को हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस, प्रोज बोल सकते हैं, पॉजिटिव्स बोल सकते हैं. डीमेरिट्स को हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस, कॉन्स बोल सकते हैं,
नेगेटिव्स बोल सकते हैं और ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। आउटवे को हम यूज़ कर सकते हैं आउटस्ट्रिप, आउटवेड को हम यूज़ कर सकते हैं आउटस्ट्रिप्ड। ये है पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म। आउटवे की थर्ड फॉर्म आउटवेड, आउटस्ट्रिप की थर्ड फॉर्म आउटस्ट्रिप्ड। सो ये था हमारा ऐसे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।